हेलो डियर स्टूडेंट्स, लक्ष्य टेस्ट सीरीज के आपके फिजिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चंस आपको मैं अभी हाजिर हूं आपके पास उनके सवालों के जवाबों को लेकर। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन का रेशियो निकालना है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी कितने के बराबर आ रही है, दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फोटोन के लिए एनर्जी का, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो उसमें से अगर आप लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे फोटोन के लिए, बिकॉज द फॉर्मूला इज ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा विल गो ऑन द अदर साइड, तो ये हो जाएगा एच सी बाई ई। आपने लैम्डा के एनर्जी को लैम्डा के टर्म्स में लिख लिया फोटोन के लिए। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इट विल बी एच अपॉन अंडर रूट टू एम। दोनों फॉर्मूले को यूटिलाइज किया एनर्जी के और लैम्डा के टर्म्स में लिख दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इनका रेशियो निकालेंगे, लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। देखिए एच सी अपॉन ई, दिस इज एच अपॉन अंडर रूट टू एम। तो एच सी अपॉन ई इंटू अंडर रूट में ये टू एम ई अपॉन एच, तो एच एंड एच विल कैंसिल। और अगर आप e की बात करें देखिए तो इस e को आप रूट ई इंटू रूट ई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2m और नीचे दो बार रूट ई हो जाएगा तो ऊपर का रूट ई कैंसिल होके नीचे आ जाएगा। तो फ्रॉम दिस आप ये समझ सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये प्रपोर्शनल है, बिकॉज आपका मास फिक्स है, 2 इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, 1 अपॉन रूट ई के प्रपोर्शनल है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आपका लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर, अगर हम वेव नंबर की बात करें फर्स्ट बाल्मर लाइन की, इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप जानते हैं आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। N1, N2 की वैल्यू 2 और 3 डाल देंगे। जब आप फर्स्ट बाल्मर लाइन की बात कर रहे हैं तो आप इसकी वैल्यू उसको पुट करिए। ये देखिए आप R, दिस इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वी होप दैट। 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, सो 9 और 4 को 36 कॉमन ले लेंगे, दिस इज 4 9s आर 36 माइनस 9 4s are 36, तो ये 5R upon 36 आ रहा है। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस कंडीशन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, वी विल ऑलवेज गेट इट करेक्ट। अगर हम बात करें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एच ई प्लस, अगर यहां पर हम बात करें कितनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे जब आप इसकी एनर्जी निकालना चाहेंगे ये मिनिमम, तो यू नो कि इसकी वैल्यू एन की 1 हो जाएगी, एंड बिकॉज आप एच ई प्लस की बात कर रहे हैं तो ये जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो माइनस 13.6 इंटू दिस इज 224 अपॉन 1, तो 13 टू 26, 26 डबल 52 और 0.6 इंटू 4 2.4, तो 52 प्लस 2.4 54.4 के आसपास आएगा। सो दिस इज माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड बिकॉज यहां पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, आपको बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई है पर न्यूक्लियॉन फाइंड करनी ऑफ ड्यूट्रियम एंड हीलियम एटम इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको रिस्पेक्टिवली दिया गया है। आपसे पूछा गया इफ टू ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम एटम तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम बात करें यहां पे तो ये इक्वेशन डिटरमाइन कर रही है व्हाट इज हैपनिंग प्लस जो एनर्जी रिलीज हो रही है। बात यहां पे करें तो पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी दी गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, और वो दी गई है 1.1। तो जब हम इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये 1.1 इंटू 2, सिमिलरली इस वाले की बात करेंगे तो 1.1 इंटू 2, और जब आप बात करेंगे हीलियम की तो देखिए इट इज गिवन 7, तो आप 7 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 4,
अगर आप इसको इक्वेट करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दिस 28 माइनस ये है आपकी टोटल एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पर 2.2 और 2.2 को ऐड करेंगे तो ये 4.4 हो जाएगा। 28 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 और 0.4 और कम करेंगे तो 23.6 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया तो आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, अगर हम बात करें यहाँ पे रिवर्स बायसिंग इन अ पीएन जंक्शन डायोड, जब भी हम बात करते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड की और आप इसको रिवर्स बायस कर रहे हैं तो एक बात समझिए, आपका अगर पी को आप रिवर्स बायस कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो आपका ये निगेटिव टर्मिनल है आपने उससे पी पोर्शन को कनेक्ट किया, आपने एन वाले पोर्शन को कनेक्ट किया है जंक्शन को इस वाले पॉजिटिव वाले से, तो यहां पे काम क्या हो रहा है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा इसी तरह से और यहां पे आपके होल्स जो है वो पुल अपार्ट हो जाएंगे। जब आपने इस तरह से कनेक्शन किया तो ये फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा और इसका क्या मतलब है कि जो आपके पोटेंशियल का बैरियर था, जो थ्रेशहोल्ड आपको क्रॉस करना था वो बढ़ गया, एक तरफ से आपके इलेक्ट्रॉन पुल हो गए, एक तरफ से होल पुल हो गए, जंपिंग और कठिन हो गई। तो इसका ये मतलब है कि यहां पे आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ गया। रिवर्स बायसिंग से आपको ये रिजल्ट मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर, इट कंटेन्स टू डायोड, D1 D2 डायोड दिए हुए हैं, ईच विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम्स एंड विथ इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, पॉसिबिलिटी उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट की एक बैटरी को कनेक्ट किया है, आपको बताना है इस 100 ओम के जो रेजिस्टेंस को आपने लिया है उसमें से कितना करंट निकलेगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस है, ये पोर्शन आपका एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा जब यहां से करंट निकल रहा है। ये करंट जो यहां पे इस बैटरी से निकला आई, सपोज करिए आप आई करंट निकला तो यही I1 और I2 में डिवाइड होगा। लेट अस सपोज ये I1 है एंड दिस इज I2। तो आपको ये बात यहां पे बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि I1 वाला करंट तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा, वो पोर्शन एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ऑल द करंट दैट इज देयर इट विल गो थ्रू दिस D1 से निकलेगा, आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 ओम, तो ये 50 ओम का आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप ध्यान से यहां पे देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि दिस 50 प्लस 150 और ये 100, ये तीनों आपके अब सीरीज में है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है नेट टोटल अभी वो कितना हो गया 50 150 100 50 प्लस 150 ओम प्लस 100, दिस इज 150 प्लस 150, दिस 300, 300 ओम का आपके पास अभी नेट रेजिस्टेंस है। आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से I की वैल्यू V/R, आप यहां पे V6 डालेंगे, रेजिस्टेंस आपका 300, दिस इज 6 है, 3 × 100 कर लीजिए, 3 × 2 हो गया, दिस इज 2/100, एक जीरो हटाएंगे पॉइंट आएगा, दूसरा लेंगे जीरो आएगा, 0.02 एम्पियर, एम्पियर में है क्योंकि वोल्ट और ओम में था तो सिंपली आंसर एम्पियर में आ जाए। इतना करंट 0.02 एम्पियर यहां पे देखिए आपको मिलेगा, 0.02 एम्पियर, एंड आप देखेंगे कि वही करंट आपका 100 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, सो द आंसर विल बी 0.02। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस, एक लाइन है उसमें दो इक्वल चार्जेस हैं कैपिटल क्यू, अब बोला गया है कि एक चार्ज को इनके सेंटर में प्लेस कर दिया गया, सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा उसकी कंडीशन निकालनी। देखिए आपको ये बताया गया है कि जो दो चार्जेस है क्यू एंड क्यू, सो दीज आर सपोज पॉजिटिव, ये बात आपको समझनी है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये छोटा वाला क्यू चार्ज नहीं होता
तो ये एक दूसरे को क्या करते, पुश करते, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आती। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैनेज या जनरेट करने के लिए ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर इस क्यू का चार्ज निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव होगा तो देखिए ये इस वाले के लिए पुल करेगा, वो उसको पुल करेगा, दोनों मिलके कैंसल आउट करेंगे और ये पूरा का पूरा थ्री पॉइंट सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का रिलेशन निगेटिव आएगा, एक चार्ज यहां पर निगेटिव है। तो ये दोनों आंसर आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम चाहते हैं यहां पे इक्विलिब्रियम सस्टेन हो, आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, तो देखिए आपको इनमें से एक किसी साइड वाले चार्ज को लेना है एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज जितने फोर्स से आपको ये माइनस क्यू इसको खींच रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जिस फोर्स से ये प्लस क्यू इसको पुश कर रहा है, उन दोनों को बराबर होना चाहिए या फिर उनका नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए। तो हम क्यों ना इन दोनों फोर्सेस को बराबर करें। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पहले इनको देखते हैं। तो अगर इन फोर्सेस की बात करेंगे तो के क्यू क्यू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपॉन सपोज दिस डिस्टेंस इज डी बाय टू, क्योंकि पूरी दूरी आपकी डी है, दिस विल बी डी बाय टू का स्क्वायर। और ये फोर्स बराबर होनी चाहिए, कैंसिल करनी चाहिए किस फोर्स को, जो प्लस क्यू वाला इसको पुश कर रहा है, यानी कि दिस इज सेम क्यू एंड क्यू अपॉन डी स्क्वायर। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे के एंड क्यू विल कैंसिल, डी स्क्वायर विल कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा, तो फोर स्मॉल क्यू बच रहा है, ये कैपिटल क्यू के बराबर होगा। आपसे पूछा गया है स्मॉल क्यू की वैल्यू, दैट विल बी कैपिटल क्यू बाई फोर। तो कैपिटल क्यू बाई फोर, और जिसमें कि ये वाला चार्ज नेगेटिव होगा, अगर आपने इन दोनों को पॉजिटिव माना है तो माइनस क्यू बाई फोर कैन बी द परफेक्ट आंसर। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस हैविंग अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा दी गई है, इज गिवेन बाय। तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग सरफेस है, आप एक जनरल केस ले लीजिए, कंडक्टिंग सरफेस इस तरह की ले ली, हमने इसको सर्कुलर इसलिए लिया है क्योंकि एक यूनिफॉर्म तरह की सरफेस लेने से हमारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है नियर अ कंडक्टिंग सर्फेस जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा गिवन है, तो यहां पे सबसे आसान तरीका है गॉस लॉ को यूज करना। आप जानते हैं अगर आपको फ्लक्स निकालना हो तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अगर ये सरफेस लिया है तो देखिए सरफेस अगर आप उसको वेक्टर की तरह ले रहे हैं तो एरिया का वेक्टर आउटवर्ड पॉइंटिंग होता है, तो ये बाहर की तरफ आपका डी एस वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में आपका ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। ई डॉट डी एस को अगर आप क्लोज लूप में ई डॉट डी एस लेंगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये बराबर होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्साइलम नॉट। वो सारे के सारे अलग अलग पॉइंट्स का जिनका आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो उन चार्जेस का सम होगा जो कि इनक्लोज्ड है इस पर्टिकुलर बर्न सरफेस के अंदर है अपॉन एप्साइलम नॉट। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज आपने यहां पे बोला है कि एक सरफेस होनी चाहिए, उसका एक फिक्स एरिया है, हमने सर्कुलर के फॉर्म में ले रखा है, तो यू कैन सी कि ये डी ए हो जाएगी, इंटीग्रेशन में इसको ए ही माने, यूनिफॉर्म सरफेस है, इट विल बी ए एंड दिस इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं यहां पर तो आप क्यू अपॉन दिस ए इनटू एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, जब भी हम लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लैम्डा सिग्मा इनको यूज करते हैं, सो दिस विल बी सिग्मा एंड दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द आंसर। अगर आप ध्यान देंगे यहां पे देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये आपकी सरफेस के तो नॉर्मल है बट आपका एरिया वेक्टर के पैरेलल, तो यहां पे पूछा गया है कि पैरेलल टू द सरफेस की नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए सरफेस से तो बाहर की तरफ जा रहा है नॉर्मल, सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, बट ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि दिस इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। Moving forward,
कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, 2.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, पैरेलल में आपके पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी आपको प्रोवाइडेड है 0.5 ओम, एंड यू आर आस्क्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, इस कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज हो। अगर हम इसकी बात करें, देखिए स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद, तो यहाँ पे कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा होगा, तब हम इस सर्किट को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये एक दो और यहाँ पे ये तीसरा 0.5, ये तीनों मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आपका नेट रेजिस्टेंस जो इस कंडीशन में है 1+1+0.5, क्योंकि इस वाले से करंट फ्लो होगा नहीं, तो इस वाले को आप कंसिडर करेंगे नहीं, दिस विल बी 2.5 ओम। एंड अगर आप बात करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट कंडीशन में आफ्टर सम टाइम 2.5 वोल्ट की बात करेंगे, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप करंट निकालेंगे यहाँ पे 2.5/2.5 और ये हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो आपने करंट निकाल लिया यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट। उसके बाद आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सो अ वेरी वेरी गुड वे टू फाइंड इट इज कि यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। देखिए जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस इन दोनों के बीच है वही इन दोनों जगह पे भी अवेलेबल होगा। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं और आपको निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, तो उसका फॉर्मूला होता है Q=CV। यहाँ पे आपको वी निकालना है, सी की वैल्यू दी हुई है, तो अगर हम उस V की बात करेंगे तो V=E-IR का यूटिलाइजेशन करेंगे, E की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5, माइनस I 1 दिया हुआ है, R 0.5 दिया है, तो ये कितना हो गया, जैसे 0.5 2.5 2, आपने V जो है वो 2 निकाल दिया, तो आपको यहां पे V की वैल्यू मिल गई है, आपको C ऑलरेडी दिया हुआ है माइक्रोफेराड में, तो पुट इट 5 माइक्रोफेराड 2 वोल्ट, ये आपका आंसर आ रहा है 10, और देखिए 10 माइक्रो कूलम यहां पे आंसर गिवन है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द वे टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। आप कुछ टाइम बाद जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तब आप इस चीज को एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करके इन दोनों को इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ऐड करके आप निकालेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है। एक बार आपने करंट का फ्लो निकाल लिया तो देखिए इन ये दोनों ये पॉइंट ये सारे पॉइंट्स एक साथ कनेक्टेड हैं, तो इन पे पोटेंशियल सेम होगा, सिमिलरली इन पे पोटेंशियल सेम होगा, तो जो ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है वही ड्रॉप इन दोनों में भी आपको दिखेगा, और उसकी यूज करके हमने यहाँ पर Q=CV से निकाल लिया है कि कितना आपका अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर प्लेट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल क्यू, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसको दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ शॉट किया गया है, इसको फिक्स कर दिया गया है, आप इसको फिक्स कर दीजिए, एंड इसकी स्पीड वी है, ये इसको अप्रोच कर रहा है और क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है आर है, यहां से आना शुरू हुआ और वो आर पे आके रुक गया, वहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका ये मतलब है कि दिस इज द पॉइंट जहां पे आपकी वेलोसिटी अभी जीरो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो रही है। सो इट अप्रोचेस क्यू अप टू अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर एंड देन रिटर्न्स। अगर आपने यहाँ पे स्पीड वी को 2V में कन्वर्ट कर दिया तो क्या ये और आगे तक आएगा, ऑफकोर्स आएगा, और तब आपका ये आर कितना बचेगा। सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी का कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी है, 1/2 mv2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको यहां पे जीरो है, बाद में जब इस पॉइंट पे आप पहुंचे तब आपने यहां पे देखा कि यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी, और तब हम कैलकुलेट करेंगे देखिए अपनी एनर्जी, तो वो आएगी के क्यू, दिस इज स्मॉल क्यू बाई दिस विल कम, इन दोनों को इक्वेट करिए, 1/2 mv2, ये इनिशियल और फाइनल कंडीशंस लिखी हुई है, K, Q, Q by R, हमें देखना है V और R का रिलेशन, तो R को सब्जेक्ट बनाइए, R is equals to K, Q, Q, this is 2 upon M, V
वी स्क्वायर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, देखिए k इज अ कांस्टेंट, आपके q और q चेंज नहीं हो रहे हैं, उनका m चेंज नहीं हो रहा है, सो द ओनली थिंग दैट इज वेरिंग r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v स्क्वायर। आपको ये रिलेशन मिल गया, यानी अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो रेडियस जो है वो ये आपका r जो है ये 1/4 टाइम्स से कम हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंडीशन इज, अगर आपने इस v को 2v में कन्वर्ट कर दिया तो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो आपका आर है ये आर बाई फोर हो जाएगा, दिस इज आर बाई फोर, क्योंकि आपका जो आर है ये जो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच है यहां पे डिस्टेंस का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v². सो फाइंडिंग दिस रिलेशन कैन हेल्प अस टू फाइंड द आंसर। ऑन दैट नोट आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस वर प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थे। All the best to you. I hope आपको ये सारे आंसर समझ में आ गए। Thank you.